हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं मार ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को। इससे पहले भी हमने 2024 के और 2023 के सेकंड जो एग्ज़ाम थे उनके सारे हमने क्वेश्चन बायो के कवर किए हैं, जो कि पिछले वीडियोज़ में डाले गए हैं। उनको भी आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2023 के एनडीए 1 से, और इसी के अगले जो पार्ट में हम देखेंगे सीडीएस 1 के क्वेश्चंस। तो आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रकार से बायो के क्वेश्चन एनडीए के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पहला हमको क्वेश्चन मिल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन, यानी सेल वॉल का जो कंपोजिशन है उसमें हमको क्या क्या स्टेटमेंट सही मिलते हैं। तो पहला मिलता है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, दूसरा फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, तीसरा एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, कई बार क्वेश्चंस में यहाँ कई लोग कंफ्यूज जाते हैं ये, या गलती कर लेते हैं, ये पूरे से ठीक से नहीं पढ़ते। तो ये स्टेटमेंट वगैरह आप ठीक से पढ़ा करें, और इनमें यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि ये करेक्ट और इनकरेक्ट जो शब्द आते हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट। तो पहली चीज हम देखेंगे कि क्या इसके पास बैक्टीरियल सेल के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी सेल वॉल होती है, तो हाँ, किसके पास में, बैक्टीरिया के पास में कौन सी सेल वॉल होती है जो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। दूसरा फंगल सेल की बात करते हैं, तो फंगल सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस से ना बनते हुए किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से। ठीक, और सेल्यूलोस की जो सेल वॉल होती है वो हमको किसमें मिलती है, वो प्लांट सेल्स में मिलती है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा कह रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है कि उनमें सेल वॉल नहीं होती है, केवल प्लांट सेल और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल में हमको सेल वॉल मिलेगी। इसके अलावा इनका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, शुगर और प्रोटीन्स का। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इनका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेशन शुगर्स और प्रोटीन्स से होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड हो जाता है सही। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, पहला और तीसरा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि ये रिपीट हुआ है, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो फिर से वही चीज, इन शब्दों पे हमको ध्यान देना है, नहीं तो ये हमारे क्वेश्चन गलत करा, बहुत ईजी से क्वेश्चन गलत करा सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारे पास में 70, इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन डीएनए। ये भी क्वेश्चन हमने देखा है कि 2024 में, अभी जस्ट जो हमारी सितंबर वाला एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम टू सेम। तो इसलिए क्या होता है, वही बात फिर से रिपीट करूंगा, पी वाई क्यू करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारी एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको बोनस नंबर देने का काम करते हैं, तो इसलिए हमको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए, सिर्फ बायो की नहीं सारे सब्जेक्ट्स की हमको ये करना चाहिए। इन ए प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन डीएनए, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें खुद का डीएनए मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे क्या मिलेगा, खुद का डीएनए मिलेगा, यानी किसी सेल के अंदर
जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में हमको क्या मिलता है? इन दोनों में हमको जेनेटिक मटेरियल मिलता है या डीएनए मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार आने जैसा क्वेश्चन है, आगे भी बहुत सी बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प्स स्पीसीज टू सर्वाइव ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ए मोर ऑफस्प्रिंग इन ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल, रॉबस्ट एंड हेल्दी ऑफस्प्रिंग, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, मोर वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझना है कि कौन से जीव हैं जो एक लंबे इवोल्यूशन को झेल सकते हैं। तो ऐसे जीव जो वेरिएशंस को समय आने पे कर सके या उनमें म्यूटेशंस हमको देखने को मिले, और ये म्यूटेशंस और वेरिएशंस हमको किसके कारण देखने को मिलते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही हमको क्या देखने को मिलते हैं? कई सारे अलग अलग जो म्यूटेशंस या वेरिएशंस है वो हमको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं म्यूटेशंस और इन्हीं वेरिएशंस की बेसिस पे वो एक लंबे इवोल्यूशनरी जो जर्नी रहेगी उसकी, उसको कंप्लीट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी ने कई सारे कई लंबे समय से हमारे अलग अलग जो एनवायरमेंट कंडीशन रहे हैं उनके हिसाब से अडैप्ट किया, और अडैप्ट करने में कौन सी चीज़ ज़रूरी रही? तो हमारा जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आते रहे। किसके कारण आते रहे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। और अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ऐसा कोई वेरिएशन सच हमको देखने को मिलता ही नहीं। तो इस कारण से हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? मोर वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके कारण हम देखते हैं कि आने वाली जनरेशंस में हमको क्या मिलते हैं? बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ हद तक अच्छा एक क्वेश्चन हमको मिला ये, तो होप ये अच्छे से क्लिक कर जाए आपको अगर अगली बार पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। तो हमेशा प्रेजेंट है ऐसा बताना है कि कौन से हमेशा मिल रहे हैं। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कौन से हमेशा मिल रहे हैं, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। तो पहली चीज सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म, और चौथा हो गया जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन सा हमेशा नहीं मिल रहा है या हर सेल में नहीं मिल रहा है। अगर एक आइडियल कंडीशन में देखें कि हमेशा होगा ही, किसी भी सेल की बात करें, चाहे प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल की बात कर ले, तो ये सब में मिलेगा, ऐसा हमको कॉमन देखना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन कौन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में मिलेगा, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, फंगस में मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहेगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करें तो सभी टाइप के सेल में हमको साइटोप्लाज्म मिलता है। फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो चाहे जेनेटिक मटेरियल में आपसे आरएनए की बात करें, डीएनए की बात करें, तो वो सभी लगभग सेल्स में होता है। चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, तो लगभग सभी में हमको क्या मिलने हैं? ये तीन ऑर्गेनेल। लेकिन सेल वॉल जो है वो केवल एक्सक्लूसिवली हमको कुछ जीवों में मिलता है, जैसे कि कौन कौन, तो प्लांट सेल हो गया, ठीक है, फंगस हो गई, बैक्टीरियाज हो गए, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, काफी इजी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर हम ब्रेन लगाएं तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ब्राउनिंग ऑफ चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज बाय, यानी क्या कह रहा है कि जब हम एक एप्पल को काट के रख देते हैं तो मोस्टली हमने देखा है कि उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो चेंज इन कलर होता है किसके कारण? तो ऑक्सीडेशन के कारण, यानी जो मैलिक एसिड है वो रिएक्ट करने लगती है एटमोसफियर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होने लगेगा, रिएक्शन, और उसी रिएक्शन की वजह से हम देखेंगे कि इसकी जो ऊपरी लेयर है वो कैसी होने लगेगी, ब्राउन होने लगेगी। और इसी ब्राउनिंग को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला यूजिंग ऑफ टेबल शुगर, दूसरा प्रिजर्विंग इट इन ए कंटेनर, यूजिंग लेमन जूस और यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हमारे पास में आ गई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज अगर करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। प्रिजर्विंग इन ए कंटेनर तो नॉर्मली यही किया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें ब्राउनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को
रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीडेशन को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते हैं हम, कि उसके ऊपर क्या लगा दें, हम लेमन जूस लगा दें। तो लेमन जूस जब अप्लाई किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुकी और जैसे ही इसका कलर नॉर्मल रहने लगेगा लंबे समय तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नॉर्मली कार्बन सोर्स के लिए CO2 को यूज किया जाता है, जैसे नॉर्मली इंसानों में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह का यूज किया जाता है कि इनको ब्रेक डाउन करके हम कार्बन का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो पौधे होते हैं वो सीधे किससे कार्बन ले लेते हैं, तो CO2 से। अब ऐसी कंडीशन में इन सभी जीवों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कार्बन में, और कार्बन के अलग अलग रूपों में। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन यीस्ट सेल आर O2 स्टार्व्ड, यानी इनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए, फर्मेंटेशन सर्व्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अगर लंबे समय तक किसी भी जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाता है, वो अपनी डेली जो प्रोसेसेस है उनको नहीं कर पाता, यानी रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में यीस्ट की अगर बात करें तो यीस्ट में हमको देखने को मिलता है कि अगर उसको O2 नहीं मिलेगा तो वो एक प्रोसेस शुरू करेगा जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और इसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारा ATP, CO2 और एथेनॉल। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, याद रहेगा ये कब की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ यीस्ट की केस में। लेकिन अगर इंसानों की बॉडी में ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बंद ही हो जाए, अगर ऑक्सीजन बंद हो गई तो फिर इंसान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन कुछ समय के लिए जैसे कि रनिंग करते समय, एक्सरसाइजेस करते समय हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाती है, और अगर ऐसा इंसानों में होता है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, वहां पे होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, हमारे जो मसल्स है उनमें हमको क्या महसूस होता है, स्पैजम टाइप का या एक अकड़न सी महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है हमको किसका फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल का, किसके साथ में, ATP और CO2 के साथ, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, CO2 बनेगा और इथेनॉल बनेगा या एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यही प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है, कई सारी जो एल्कोहल बनाई जाती है, चाहे वो अलग अलग ब्रीवरीज में अलग अलग टाइप की या मेडिकल पर्पस के लिए, सभी में हमको क्या देखने को मिलेगा, यही प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट इमर्सेस एपिडर्मल लीफ पिल इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी क्या किया गया है कि एक बच्चे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक लीफ है उसका एपिडर्मल जो पार्ट है उसको डिप कर दिया है किसमें, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही उसको डिप किया तो उसके बाद उसने उसको एग्जामिन किया एक माइक्रोस्कोप के अंदर या माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उसने क्या देखा होगा। तो जब भी हाइपरटोनिक सब्सटेंस में किसी चीज को मिलाया जाए तब हम देखेंगे, या किसी लिविंग सेल को डाला जाए, तो वो सेल जो है वो प्लाज्मोलिसिस नाम की एक प्रोसेस के कारण क्या हो जाएगा, श्रिंक होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेल्स वर प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब वो श्रिंक हो जाएगा। तो जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में किसी लिविंग सेल को डाला जाए तो याद रखिएगा कि उसके कारण क्या होता है, कि वो सेल जो है वो श्रिंक होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगी, यानी फंगस में कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या उसकी पहचान करने वाला फीचर नहीं है। तो हम देखते हैं कि करके कौन सी चीज नहीं है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन या काइटिन। तो हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, तो यहां से हमको एक चीज तो मिल गई कि ये करेक्ट है। फिर दूसरा, फिलामेंटस माइसीलियम इज प्रेजेंट। तो हाँ, इनमें फिलामेंटस माइसीलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस,
तो नहीं, जो फंगस है वो कौन से टाइप के जीव होते हैं? वो पैरासिटिक टाइप के जीव होते हैं, यानी वो अपने पोषण के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी और जीव पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो लास्ट का तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट इज नॉट करेक्ट? तो सबसे पहली चीज, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो मोस्टली हमको अलग अलग टाइप के जितने भी वाटर या मॉइस्चर वाले जो प्लेसेस होते हैं वहां पे हमको मिलेंगे। ठीक है, पहला, द प्लांट बॉडी इज ए गैमेटोफाइट, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर उसके बाद दूसरा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो हो जाएगा हमारे पास में ये भी करेक्ट चीज, क्योंकि इनको सीधी सी याद रखना इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद, प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड और स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट। ठीक, तो ये राइजोइड से ही कनेक्टेड होते हैं, यानी इनकी जो रूट्स इस वाले हिस्से होते हैं वहां पे हमको क्या मिलेंगे, कई सारे माइकोबैक्टीरिया, जिनको हम राइजोइड्स या इनके मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास में कोई वाटर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि जाइलम, तो इनके पास ये चीज एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसको चीज अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो हमारे पास में NDA 1 के लगभग 10 क्वेश्चन हुए, अब देखते हैं हम CDS 1 के क्वेश्चन ऑफ 2023। पहला क्वेश्चन हमको CDS 1 में मिलेगा, अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन थाई मसल आफ्टर ए रन, दिस इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ। अभी थोड़ी सी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पे बात की थी कि जब ह्यूमंस में और ऑर्गेनिजम्स में अगर ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी एनरोबिक रेस्पिरेशन करती है, और ये एनरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हम देखेंगे कि एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और उस बाई प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, तो लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में एक लंबी रनिंग के बाद में जो एठन्सी महसूस होती है, जो स्पैसम से महसूस होते हैं, उस समय किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास CDS से कौन सा मिलता है, अ लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम ए प्लांट ऑन ए सनी डे एंड कैप्ट फॉर 2 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्स इन बॉइलिंग एल्कोहल एंड ट्रीटेड विथ आयोडीन सोल्यूशन, वॉट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर दिस टेस्ट? तो हमने क्या किया कि एक लीफ को निकाला, उस लीफ को हमने सीधा किस में डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में 2 मिनट के लिए, और बाद में इसको किस में डाल दिया गया, बॉइलिंग एल्कोहल में, और इसको एल्कोहल से निकालने के बाद इसमें क्या मिला दिया गया या इसको किससे ट्रीट किया गया, तो आयोडीन से। अब हमको एक चीज याद रखनी है कि पौधों में या प्लांट्स में या मेजरली प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें हमको क्या मिलता है, तो सेल्यूलोस मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक है, और ये स्टार्च जब जब आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा तब तब कौन सा कलर देगा, तो वॉयलेट या ब्लू कलर हमको देगा। ठीक है, याद रखना कि स्टार्च या सेल्यूलोज के साथ में आयोडीन का जब रिएक्शन होता है तब वो हमको कौन सा कलर देता है, तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा। अब एक एक्सपेरिमेंट भी आपने कई बार देखा होगा कि एक आलू जो होता है उस पे क्या किया जाता है, आयोडीन का टिंचर, टिंचर आयोडीन जो उसको यूज करते हैं, तो उसके बाद उसका कलर कैसा आता है, तो वायलेट कलर। तो वही चीज हमने लगभग यहाँ पे देखी, लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। ठीक है, ट्विस्ट तो मिलेंगे, यूपीएससी दे रहे हैं आप। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आपको ट्विस्ट ही मिलने हैं। अब जैसे ये एक और ट्विस्टी सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, इफ द रेड ब्लड सेल्स और RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड, यानी क्या किया है, ब्लड से हमने निकाल लिया है, आइसोलेट कर लिया है किनको, हमारी RBCs को, एंड आर डिल्यूटेड इन नॉर्मल सेलिन, यानी एक सेलिन सॉल्यूशन लिया है या एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। ठीक, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नॉर्मल है, इसमें अगर हम सॉल्ट की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कह देते हैं आइसोटोनिक, सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो। और इसमें जैसे ही डाला गया तो क्या होगा, क्या देखा जाएगा, उस RBC पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहली चीज, द
आरबीसी विल स्वेल, तो बिल्कुल गलत बात है। जब हाइपरटोनिक में डाला जाएगा तब ये स्वेल करेगा, ठीक है। तो पहली चीज हमारे पास गलत आ गई। दूसरे ऑप्शन में भी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्वेल मिल रहा है, तो हाइपरटोनिक में तो है नहीं, कौन से में, आइसोटोनिक में है। द आरबीसीज विल श्रिंक, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला कौन सा होगा, नो चेंज इन द डायमीटर्स ऑफ द आरबीसी, यानी आरबीसी में नॉर्मल सेलिन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी लिविंग सेल को नॉर्मल सेलिन बॉडी में या सेलिन वाटर में या सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के उसमें डायमीटर्स में कोई टाइप का चेंज, डायमीटर से चेंज यानी कि उसका पूरा शेप जो है वो श्रिंक होगा, स्वेल होगा, या ऐसा कुछ हमको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बाइल एक ऐसा फ्लूइड है जो कौन बनाता है, हमारा लिवर, और ये हमारा जो डाइजेशन है उस डाइजेशन की प्रोसेस को काफी इम्प्रूव करने का और उसको हेल्प आउट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये नहीं बना तो क्या होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट, तो बाइल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। अब बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक, पहली चीज। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, और बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। पहला, हमारी बॉडी में बाइल में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करते हैं किसका, लिपिड का। तो पहली चीज ये नहीं होता है, गलत है। तो यही आंसर हो गया हमारा कि लिपिड्स का डाइजेशन ये नहीं करता है बाइल, ठीक है। वो पेनक्रियाटिक जूस से हम देखेंगे कि वो कंप्लीट होता है। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, हाँ, तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है किनको, फैट्स को। फिर उसके बाद में जो स्टमक से पीएच वैल्यू गिर जाती है या एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा अगली चीज कि जो हमारा फूड आगे बढ़ता है और ये बाइल क्या करता है, उस एल्कलाइन फूड को, सॉरी, उस फूड को पीएच देता है कैसा, एल्कलाइन, और उसको प्रमोट करता है कि वो आगे जाए और पेनक्रियाटिक जूस के साथ या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं उनके साथ में रिएक्ट करे ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, तो ऐसा नहीं होता है, बाइल में कोई भी लिपिड्स को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80 mmHg, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का एक रेशियो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी 120/80 mmHg, ठीक है। एचजी मतलब जो मर्क्यूरी का लेवल होता है वो दिखाया जाता है किससे, एचजी से। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट, यानी ये कौन सी कंडीशन बता रही है, ठीक है। तो पहला, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली, यानी पहले वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा है और दूसरा फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है, या वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये उल्टा हो गया हमारे फर्स्ट जो ऑप्शन का बिल्कुल। ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर रिलैक्सेशन, तो ऑरिकल्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है तो इसको हम हटाई देते हैं। फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे पास दो ऑप्शन तो हट गए क्योंकि ऑरिकल्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। यहाँ पे प्रेशर किससे जनरेट होता है, तो वेंट्रिकल्स से होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब कितना होता है वैल्यू, 120, और जब उसका रिलैक्सेशन होता है तब होता है कितना, 80 mmHg। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये CDS और NDA 2023 के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसके अलावा भी हमने और कवर किए हैं 2024 के और 2023 के सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन, तो आप उनको देखें और होप कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा।
थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।